बस मैथ्स में सिर्फ 92 out of 100 मैराथन में फर्स्ट तो मोहल्ले में पेड़े बांटू। एम्प्लॉई ऑफ द मंथ की ट्रॉफी मिली है तुम्हें, हट ले जाओ इसे। अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, पता नहीं कब बोलना शुरू करेगी ये। सेल्फी क्वीन, सेल्फी खींचते रहेगी या लाइक्स भी लाएगी? शर्मा जी के बेटे को देखो, अपने प्रोफाइल पिक पे 420 लाइक्स लाए हैं और 50 शेयर, 51। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, सिर्फ 2 महीने में बोलना सीख लिया था। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है? सब में 100 out of 100 मिले हैं उसे। शर्मा जी का बेटा ओलंपिक्स में भाग ले रहा है, ओलंपिक्स में। शर्मा जी जैसा बेटा होता मेरा। हर किसी की जिंदगी में एक शर्मा जी का बेटा तो होता ही। शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो। पर आखिर ये शर्मा जी का बेटा है कौन? शर्मा जी के बेटे के साथ मेरी पहली मुलाकात ए स्टैंडर्ड के मैथ्स के एग्जाम में हुई थी। मैम सप्लीमेंट। मैं भी लूंगा सप्लीमेंट। मैम सप्लीमेंट। आज तक नहीं पता वो इतना क्या लिखता था। वो पेपर ही खुद 30 मार्क्स का था और मेरा सप्लीमेंट देखो सिर्फ ये भरा रखा था। शर्मा जी का बेटा, he was like a nightmare. Studies में तो था ही first. उसे avoid करने के लिए मैंने hobbies classes join की. Painting वाला. And now it's time to announce the winners. पर सर, ये शर्मा जी के बेटे की पेंटिंग अभी बाकी है। हाँ, मैं ही हूँ शर्मा जी का बेटा, रोहित शर्मा। बचपन से तुम्हारी गालियां खाता आ रहा हूं, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? क्या पाप किए मैंने? यही कि मैंने ढंग से पढ़ाई की है? आखिर कौन से जमाने में रहते हो तुम? एक्स्ट्रा लेक्चर्स, प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस, इन सब का एडवांटेज तो मैं भी ले सकता था, लेकिन मैंने मेहनत की, कड़ी लगन से पढ़ाई की। बट ऑल आई गॉट टू बी वॉज कलंक ऑफ दिस सोसाइटी, शर्मा जी का बेटा। अरे मैं तो कहता हूं कि कोचिंग क्लास बस यही बकवास करते रहे। वहां अय्यर के बेटे को देख, अर्नब को इंटरव्यू दे रहा है और तू यूट्यूब के वीडियोस पे ज्ञान दे रहा है।